एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। और मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहना है ये लाइट सा सूट, क्योंकि अभी हैवी पहना नहीं जाएगा और पूरा दिन अभी बिताना है। और अभी से मुझे तो होने लगी है थकावट, और राम जा रहे हैं ऑफिस, मान ही नहीं रहे हैं। बताओ कब आओगे आप फिर? कोशिश करूंगा, मैं जल्दी आ जाऊँ। जल्दी आ जाओगे? कोशिश ही रहेगी। और मेरा गिफ्ट लेकर आओगे? रुको, मैं आपके पास आती हूँ। अब मैं से बात करेंगे। बताओ मेरा गिफ्ट। छत के शॉपिंग हो गई मैडम के, लेकिन गिफ्ट नहीं मिला। वो तो सभी की होती है, आप गिफ्ट बताओ। बोलो सबको, आपने बोला करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ बेटा। गिफ्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है? गिफ्ट वैसे ये मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं देते हैं, तीसरा साल है नहीं देते। वही तो मैं कह रहा हूँ। एक बार इनका नहीं, और सबूत है, एक बार इनका फ्रेंड भी आया था करवा चौथ पे, अमित ये वीडियो देख रहा होगा तो अमित बताएगा कि हाँ कोमल ने मांग मांग के लिया था। उस दिन वो लेकर आए थे चॉकलेट का डिब्बा, ये याद है? मैंने इतना मुश्किल से मांगा, मेरे को दो कुछ दो। इस बार चॉकलेट ले आएंगे, चिंता मत। मेरे को नहीं चाहिए चॉकलेट। और वो तो बताओ कि तुम सुबह 4 बजे नहीं उठी हो। इन्होंने मेरे को नहीं उठाया सर्दी खाने के लिए, नहीं उठाया इन्होंने मेरे को। मैं उठा उठा के थक गया कि कोमल उठ जाओ, कोमल उठ जाओ, लेकिन कोमल उठने में तैयार नहीं। नहीं, मुझे नींद आ रही है। खैर, कोमल की गलती नहीं है कि वो रात में काफी लेट हो गई थी, बहुत लेट हो गई थी, लेकिन उठना चाहिए था। मैं बोल रहा नहीं, आप नहीं उठाया इन्होंने मेरे को, और ये भी कह रहे थे मेरे को भी नींद आ रही है। नहीं, मुझे नींद आ रही थी, तुम्हें तो सर उठाना था। तो आपका फर्ज बनता है ना मुझे उठाना। मैंने तुम्हें उठाया था, हिला हिला कैसे उठाया? नहीं उठाया, झूठ बोल रहे हैं। अब देखो बताओ, मैं सुबह भी सर्दी नहीं खा पाई इनकी वजह से। शाम को बताओ क्या खाओगे? शाम को जो बना दोगी। आप तो कह रहे थे कि आप बनाओगे खाना। हाँ, मैं बनवा दूंगा। कहते आज मैं बनाऊंगा, आज तुम आराम करना। बनाऊंगा नहीं, बनवा दूंगा। बनवा दूंगा, अच्छा। तो आप कह रहे थे खीर खाएंगे। हाँ, खीर खाना है मुझे। तो कौन बनाएगा? आप बनाओगे। आप तो कह रहे थे मैं बनाऊंगा खीर। आप बनाओगी, मैं वो पूड़ी वगैरह मैं बनवा दूंगा। खीर को तो हिलाने का काम होता रहता है, वो आप करते रहोगे? हाँ, मैं करता हूँ। ठीक है, डन है, तो खीर ये बनाएंगे। मेरा एक काम छूट गया। चलो जी, ठीक है। राम चले गए ऑफिस के लिए, अब बोल के गए हैं कि मैं आ जाऊंगा 5 बजे तक। देखो अगर काम हो गया खत्म तो आ जाएंगे। और मैंने अभी ज्यादा कुछ मेकअप करा नहीं है, बस इतना ही हल्का सा करा है। मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाई अभी, तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। और कथा का टाइम आज मैं देख रही थी गूगल करके, तो 5:30 बजे का है। 5:30 बजे तक राम आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, साथ में कथा पढ़ेंगे। बाकी तो खैर कोई नहीं। और वो बोल के गए हैं कि नहीं खाना तो मत बनाना, आज मिल के बनाएंगे हम। आप लोगों को अपनी मेहंदी तो दिखाई नहीं, देखो पीछे कुछ भी नहीं लगाया, आगे कलर तो अच्छा आ गया। मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आप बताना आप में से किसी को अच्छी लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी की खुशबू। और बस अब मैं बोर होती रहूंगी, वेट करूंगी राम का कि वो जल्दी से आ जाए। मफी भी खाना खा के सो गया है, वो देखो। माफू माफू, आप सो रहे हो? मम्मी के साथ खेलोगे नहीं? अच्छा सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। पापा के घर से जाते ही ये बस अपना सो जाते हैं। तो मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ घर, और मैडम की हालत बहुत ही डाउन है। तो जैसा कि मैंने मैडम को बोला था कि मैडम आपके लिए खीर मैं बनाऊंगा, तो अब मैं जा रहा हूँ खीर बनाने के लिए। और सच जा रहा नहीं हूँ, बनाएंगे साथ में। मैं मना कर रही हूँ कि नहीं बनाते हैं, पर मान रहे नहीं है। हालत हो गई है बहुत डाउन, तो सोच रहे हैं रात में और डाउन हो उससे पहले हम दोनों मिलकर कुछ बना देते हैं।
आउटफिट आप मुझे बताना है कि कैसा लगा। फाइनली ये खिलाओ खिलाओ, पहले खीर खाओ तुम जल्दी। गुड गर्ल, आप भी खाओ। नहीं मैं, मेरा फास्ट थोड़ी नहीं था। अच्छी बनाई खीर आपने। जो खीर है वो मैंने बनाई थी। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर आपसे एक और नए ब्लॉग में, क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है आगे ब्लॉग बनाने की। और नीचे जाके मैं खूब सारा दबा के खाने वाली हूँ। और बस आप इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं फिर आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। हैप्पी करवा चौथ।